आत्मन आत्मन क्यों है शरीफ शरीफ क्यों है कल राजते बटेरे हर रोज है पुछते ने। अस्सलाम वालेकुम, हंसते रहो बसते रहो। मैं तारक सानी ते तुसी देख रहे हो मेरे YouTube चैनल रैबर एंटरटेनमेंट प्लस। अज सुल्तान राज दी फिल्म काला राज लैके तुहाडी खिदमत विच हाजिर हो रहे हैं। 8 अप्रैल 1997 बरोज जुमा ईद उल अजा दे मौके ते, यानी कि वड्डी ईद दे मौके ते रिलीज होने वाली एक वड्डी फिल्म। इस फिल्म ने लाहौर दे अंदर 88 हफ्ते मुकम्मल किए और प्लैटिनम जुबली का इजाज़ हासिल किया। और इस फिल्म में तुहानू एक खास और गल दसा कि यह फिल्म ना सिर्फ सुपर हिट सी बल्कि इस फिल्म के अंदर सुल्तान राज का जिहड़ा असली जनाजा है वह विखाया गया है। और सुल्तान राज के कतल होने तो बाद यह फिल्म नामुकम्मल सी और किस तरह इस फिल्म को मुकम्मल किया गया है। और इस फिल्म के अदाकार सुल्तान राज, साइमा, रीमा, इजार काजी, हमायूं कुरैशी, शफकत चीमा, असद बुखारी, अनवर खान, अल्ताफ खान, जहर शाह ते बहार बेगम। इस फिल्म के हिदायतकार फयाज मलक, फिल्म साज फयाज मलक, इस फिल्म के लिखने वाले नासर अदीब और एदा म्यूजिक दिता है वजाहत अत्रे ने। और नासर अदीब साहब के स्क्रिप्ट का बड़ा ही कमाल होंदा कि जदों फिल्म स्टार्ट होंदी है उसका जिहड़ा मौजू होंदा वह बड़ा ही जानदार होंदा है। और बड़ा ही उन्हां दे स्क्रिप्ट का स्टार्ट जिहड़ा ना बड़ा ही अनोखा और बड़ा ही अच्छा होंदा है। लेकिन जो जो फिल्म चलती है वही पुराना कतलो गारत, लड़ाई मार कुटाई और इस तरह के सीन आना शुरू हो जाते हैं। एह सवाल अज तो 20 साल पहलो मैं तेरे को पूछा सी तो तू पत्थर दी हो गई सै, मेरी बर्दाश्त की इंतहा है। इस फिल्म के अंदर भी जो स्टार्ट सी वो बड़ा ही शानदार सी। और अदालत दे कुछ सीन, सियासत दे कुछ गल्लां कीतियां गईं, डायलॉग बड़े ही शानदार सन। और हुमायूं कुरैशी ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। सुल्तान राज ने नादर का किरदार अदा किया। चंद एक सीन बड़े अच्छे इस फिल्म दे अंदर सुल्तान राज दे, लेकिन अचानक वह गायब हो जाता है। और जो लास्ट वाले सीन होंगे उन्होंने भी राय साहब का जनाजा विखाया जाता है। और मेरा ख्याल है कि राय साहब इस फिल्म की अक्सबंदी के दौरान कतल हो गए सन, जिस वजह तो यह फिल्म बाद उन्होंने कंप्लीट की गई है। और उन्होंने काफ़ी सारा फिल्म के अंदर झोल सी, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि राय साहब का नाम सी इस फिल्म ने गोल्डन जुबली का आजाद हासिल किया, लाहौर चू प्लैटिनम जुबली का इजाज़ हासिल किया है। और इस फिल्म के अंदर सुल्तान राज का असल जनाजा विखाया गया। इस फिल्म के अंदर जिहड़ा हुमायूं कुरैशी होंदा है वह MNA होंदा है और एक बासर शख्स होंदा है और एक बदकार किस्म का इंसान होंदा है, ताकत दे नशे चूर होंदा है। और शेरजमान जिहड़ा शफकत चीमा होंदा है वह छोटा उसका भरा होंदा है और औरतों की इज्जत बिना उसका मशगला होंदा है। और रोड की चलती हुई किसी भी कुड़ी नहीं चुक के अपने गड्डी पा लैंदा और उसकी इज्जत लुट लैंदा। और कोई भी क्योंकि वह MNA का बंदा होंदा, MNA का भरा होंदा, तो कोई भी उन्हें नहीं रोकता। इस तरह असद बुखारी ने इस फिल्म के अंदर बिलाल उर्फ बिला का किरदार अदा किया, जिहड़ा एक कुड़ी की इज्जत बचांदा है और उसे अदालत में पेश करता है। और आसम बुखारी वकील होंदा है, वो गवाही देंदा है। इस तरह अदालत लगती है और जिहड़ा जस्टिस होंदा है उन्हें सजाए मौत दे देता है। और सजाए मौत देने तो बाद असल कहानी शुरू होती है, जिहड़ा बिलाल उर्फ बिला असद बुखारी होंदा है उन्हें कतल कर दिया जाता है। और जिहड़ा आसम बुखारी होंदा है उन्हें भी कतल करके उसकी धी की इज्जत लुट ली जाती है। इस तरह करके कहानी का जिहड़ा आगाज है वह बड़ा ही अच्छा होंदा है। और अगे जाके जो सुल्तान राज जवान हो जाता है, सुल्तान राज के वालदेन का किरदार बहार बेगम और असद बुखारी ने अदा किया है। रैम्बो इस फिल्म में और नरगस है, नरगस रैम्बो का काम कोई खास नहीं है। इजार काजी ने इस फिल्म में बड़ा अच्छा काम किया है, एक बेरोजगार नौजवान होंगे वो MNA की गड्डी के सामने आ जाता है, जिस वजह तू हुमायूं शरीफ गन
ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਐਸ ਪੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਾਣੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਨਗਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਗਮਾ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੀਵੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਉਹਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਨਗਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੂੰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਲੈ ਲਈ, ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਰੱਖਦੀ ਆਪਣੀ। ਇਜ਼ਾਰ ਕਾਜ਼ੀ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਜ਼ਾਰ ਕਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਗਮਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਮਾ ਨੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਆਸਮ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਾਰ ਕਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੰਗਾਲਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ ਥਾਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਔਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ਰਫਗੁਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਲਿੱਤਾ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।